नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज डॉट इन। आपके साथ मैं हूं भारती द्विवेदी। 13 अप्रैल 1699 वैशाखी के मौके पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस मौके पर उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाकर सिख से सिंह बनाया था और उन्हें पंच ककार धारण करवाया था। पंच ककार पूर्ण सिख द्वारा धारण किया जाता है। एक ऐसा सिख जिसने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा मिले खंडे बाटे का अमृत पान किया हो, साथ ही नियमानुसार सिख धर्म का पालन करता हो, तो आइए आपको गुरु गोविंद सिंह जी के 5 ककारों के बारे में बताते हैं। सिख धर्म में अमृत चखने वाले सिख को अमृतधारी सिख भी कहा जाता है। ऐसा सिख खास नियमों का पालन करता है और साथ ही धारण करता है ये 5 कराकार: कंघा, कड़ा, कछारा, कृपाण, केस यानी बाल। 5 ककारों में कंघा पहला है। एक अमृतधारी सिख साधारण प्लास्टिक का नहीं बल्कि लकड़ी के कंघे का इस्तेमाल करता है और इसे अपने बालों में पगड़ी के नीचे धारण भी करता है। अमृत पान कराने के बाद ही लकड़ी का एक कंघा दिया जाता है। यह 5 ककारों में अहम माना गया है। कहते हैं कि जब लकड़ी का ये कंघा बालों और स्कैल्प पर इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ता है। कड़ा, आम लोगों की नज़र में भले ही ये एक लोहे की या अन्य धातु की बनी चूड़ी जैसा हो, लेकिन एक सिख के लिए ये किसी सम्मान से कम नहीं है। ये कड़ा दाहिने हाथ में पहना जाए और केवल एक ही कड़ा पहना जाए, ये नियम है। सिख धर्म में लोहे के कड़े को सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। कछहारा, साधारण जिस तरह के अंदरूनी वस्त्र आम लोग पहनते हैं, यह कछहारा उससे काफ़ी अलग है। परंपरा है कि यह कछहारा सूती कपड़ों का ही होना चाहिए। इस कछहारे को एक खास उद्देश्य से बनाया गया था। उस जमाने में जब सिख योद्धा युद्ध के मैदान में जाते थे तो घुड़सवारी करते समय या युद्ध करते समय उन्हें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो तन को भी ढके और परेशानी भी ना दे, तब कछहारा पहनने की रीति बनाई गई। केश यानी बाल सिख धर्म में होने की पहचान है। गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार केश अकाल पुरख द्वारा एक सिख को दी गई देन है, एक सम्मान है जिसे कभी भी खुद से अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए एक अमृतधारी सिख या कायदे से किसी भी सिख को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। सिर के, दाढ़ी के या शरीर के जिस भी भाग पर बाल है उन्हें सिख धर्म में कटाने की या हटाने की मनाही होती है। कृपाण, शायद आपने कभी ध्यान भी दिया हो, एक अमृतधारी सिख हर समय अपने कमर की बाईं ओर एक छोटी सी कृपाण या कटार पहने रखता है। यह 5 ककारों में से ही एक ककार है जिसे 24 घंटे पहने रखना जरूरी होता है, यहाँ तक कि सोते समय भी। अगर स्नान किया जा रहा है तो उस समय इस कृपाण को सिर पर पगड़ी के साथ बांध लिया जाता है, लेकिन कभी भी अपने तन से अलग नहीं किया जाता। गुरु गोविंद सिंह जी के वचन के अनुसार उनके सिख को बुराई से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए और यह कृपाण उसका हथियार है जिसे सिर्फ और सिर्फ अहिंसा पर जीत पाने के लिए ही इस्तेमाल करें।